तो यहाँ पर भी आप डाटा देख सकते हैं, 2012 का ये रेड लाइन है, जब यहाँ पर इलेक्शन हुए तो उसके बाद देखे कितना ऊपर चला गया। उसके बाद 2016 में जब इलेक्शन हुए उसके बाद बिटकॉइन देखे कितना ऊपर चला गया। उसके बाद 2020 में जब इलेक्शन हुए उसके बाद देखें बिटकॉइन कितना ऊपर चला गया। अब ये व्हाइट लाइन जो है 2024 वाली है, तो देखते हैं अब बिटकॉइन कहां तक जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं बीटीसी को लेकर के, बीटीसी की क्या अपडेट है। यस्टरडे मैंने आपको कुछ लेवल मार्क करके बता दिए थे और आपको बोला था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसके ऊपर लाजमी नजर रखनी है। कल वाले जो एनालिसिस थे वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल मैंने आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बता दिए थे कि यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है जो कि मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आ सकता है और आपको मार्केट जो है वो 66,800 डॉलर तक आती हुई नजर आएगी। और साथ में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर हमारे पास RSI के ऊपर एक बीरिश डाइवर्जेंस भी बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि कंफर्म यहाँ पर एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आएगी। अगर आपने मेरे इस एनालिसिस को फॉलो किया होगा प्रॉपर, तो आपने एक अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बनाएगा। तो आज बात कर लेते हैं कि आज क्या सूरत हाल है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 22 अक्टूबर है और इस वीक का सेकेंड डे है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर वीकली चार्ट को लेकर, वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर क्या पोजिशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वीक की जो कैंडल थी उसने काफी एफर्ट करके ये वाला जोन जो है ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन इस वीक का स्टार्ट अच्छा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। अगर आप कल की कैंडल की क्लोजिंग की बात करें तो ये इसी जोन के अंदर यहाँ पर ये क्लोजिंग दे चुकी है, जो कि अगर आप यहाँ पर बुलिश साइड के ऊपर बैठे थे तो फिर आपको फिल वक्त के लिए आपको यहाँ पर न्यूट्रल होना है। क्यों होना है? क्योंकि जब तक ये ऑरेंज लाइन यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रही है तब तक तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये जो ऑरेंज लाइन है अगर ये ब्रेकडाउन हो गई तो फिर यहाँ पर आपको बीटीसी दोबारा से यहाँ पर 65,000 और मैक्सिमम आपको 64,000 to 63,000 पे आता हुआ नजर आ सकता है। तो आपने इसके ऊपर लाजमी नजर रखनी है, कोई भी आपने जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर ट्रैप हो जाएं। लेकिन ये फिल वक्त टेक्निकली तौर के ऊपर चीजें बता रहा हूं, लेकिन अगर आप फंडामेंटल की साइड पे जाते हैं तो वहां पर बिल्कुल मार्केट बुलिश हमें नजर आ रही है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ भी जाती है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि मार्केट ने इस लेवल को अभी तक टच नहीं किया जो कि होना ही होना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर हाई लगा रही है, ये हायर लो है और ये हायर हाई है, तो हायर लो तो बनता है, तो मार्केट यहां पर आएगी। तो ये समझ लें सिर्फ बीटीसी यहां पर जो है ये कुरेक्शन कर रहा है, ठीक है। जब मैं मार्केट का वर्ड यूज करता हूं समझ लें बीटीसी की ही बात हो रही है यहां पर, क्योंकि पूरी मार्केट बीटीसी के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो यहां पर ये समझ सकते हैं कि ये कुरेक्शन कर रहा है, लेकिन कुछ और भी चीजें जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि एक बुलिश यहां पर मोमेंटम क्रिएट करती हुई नजर आ रही है, वो भी टेक्निकली तौर के ऊपर। अगर आप इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहां पर हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास चार्ट में बिल्कुल सीधी लाइन, और यहाँ पर अगर आप देखें RSI में यहाँ पर हमें ये डाउन साइड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। कई बार ऐसा होता है जो हम यहाँ पर देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं वो वैसा नहीं होता। आपने क्या करना, आपने वेट करना है। कब तक वेट करना है? ताकि ये कंप्लीट हो जाए। अभी ये तकरीबन 42 के लेवल पे है, कम से कम ये 30 लेवल पे आ जाए इसका RSI, तब आके ये कंप्लीट हो जाएगा आपका बुलिश डाइवर्जेंस। अगर ये 50 का लेवल है यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है ये वाला, तो फिर समझ लें अब ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। अगर ये 30 पे आ जाएगा फिर इसका मतलब है अब इसने यहाँ पर परफॉर्म करना स्टार्ट करना है। और अगर आप बुलिश डाइवर्जेंस को देखते हैं, अगर ये यहां तक आ जाता है इसका ये वाला लेवल, तो बीटीसी कम से कम यहाँ पर आपको इस लेवल तक आता हुआ नजर आ सकता है। और समझ लें सिर्फ इसने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करनी है जो कि 66,000 का लेवल बनता है, उसके बाद दोबारा से मार्केट अपसाइड की तरफ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने इसके ऊपर भी अपनी लाजमी नजर बनाकर रखनी जो मैंने आपको बता दिया। अगर ये 50 का लेवल यहीं से ब्रेक कर गया तो समझ लें ये वर्क करना स्टार्ट कर चुका है, और अगर ये 30 पे आ गया तो फिर इसका मतलब है ये अब वर्क करने लगा है, ओके। सो बाकी अगर आप यहाँ पर बात करें वीकली बेस के ऊपर, जो कि कल भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि यहाँ पर हमारे पास एक कप हैंडल पैटर्न भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कप हैंडल यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, अभी जो मैंने आपको कप हैंडल दिखाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी ऐसे कभी पहले हुआ था, तो उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, और गोल्ड में भी ऐसा देखने को मिला था, फिर उसके बाद भी मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ जाती हुई हमें नजर आई थी। तो यहाँ पर यह भी एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट यहाँ पर एक कप हैंडल बना रही है। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं यूएसडीटी की डोमिनेंस को, तो यूएसडीटी की डोमिनेंस यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकडाउन तो कर चुकी थी, लेकिन फिर से दोबारा अपसाइड की तरफ जा रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लेवल जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक लाइन है जो कि इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाना चाहूंगा। ये वाली लाइन आपको बोला था कि अगर ये लाइन से नीचे की तरफ चला गया तो फिर आपको यहाँ पर मार्केट मजीद यहाँ पर पंप करती नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर नीचे तो गया, मार्केट पंप भी हुई,
लेकिन दोबारा से अपसाइड की तरफ चला गया। अब इसका जाना बनता भी था क्योंकि यहाँ पर हाई बना है, ये लो बना है, लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, अब यहाँ पर एक लोअर हाई बना रहा है। अगर ये मजीद ऊपर की तरफ चला भी जाएगा तो यहां पर आपको एक डबल टॉप बनता हुआ नजर आएगा, तो वहां से लाजमी ये रिजेक्ट होगा। उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर क्रिप्टो में यानी कि ऑर्ज कॉइन में और बिटकॉइन में फिर से दोबारा एक पंप देखने को आपको मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा कि दोबारा से ये यूएसडीटी आपको नीचे की तरफ आपको लोअर लो बनाता हुआ नजर आएगा, तो उससे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें तो यहाँ पर स्टिल अभी भी ग्रीड के लेवल पे है, जो कि रिटेलर के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको यहाँ पर अभी जस्ट सिर्फ स्कैल्प और इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करना है, स्विंग और पोजिशन से थोड़ा गुरेज करना है। और अगर आप बैन अलावामी सतह के ऊपर न्यूजेस की बात करें, कुछ खास नहीं है, जस्ट सिर्फ स्पीक ही है। आपको न्यूजेस जो देखने को मिलेंगी वो 31 अक्टूबर के बाद आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले फंडिंग रेट को लेकर। तो फंडिंग रेट अगर आप देखें यहाँ पर हमें सारी एक्सचेंजेस के ऊपर बीटीसी का यहाँ पर हमें अच्छा खासा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इसका यही मतलब है कि यहाँ पर लॉन्ग वाले पोजीशन ज्यादा ओपन है, हर एक्सचेंज के ऊपर लॉन्ग वाले यहाँ पर ज्यादा ओपन है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं लिक्विडेशन मैप के ऊपर तो हमें यहाँ पर लॉन्ग वालों की पोजीशन बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी, तकरीबन 10 बिलियन के करीब यहाँ पर लॉन्ग वालों की पोजीशन ओपन है, और शॉर्ट वाले तकरीबन सिर्फ 4 बिलियन की तरफ बैठे हुए हैं, और मार्केट फोकस कर रही है ये वाली सारी लिक्विडिटी लेने के लिए जो कि बनती है 66 से लेके 65,000 की, तो ये ले भी सकती है क्योंकि यहाँ पर लिक्विडेशन मैप के ऊपर आप देखेंगे तो करीब हमारे पास ये वाली लिक्विडिटी है, तो जो कि मार्केट यहाँ पर इसको लाजमी ले जाएगी, देन फिर उसके बाद वो अपसाइड की तरफ मूव हो सकती है। तो मैंने पहले भी आपको बोला था ये करेक्शन का फेस है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल न्यूजेस को लेकर। तो ईटीएफ में यहाँ पर मुसलसल यहाँ पर इनफ्लो देखने को मिल रहा है, कल भी तकरीबन 94 मिलियन डॉलर का यहाँ पर इनफ्लो देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। आप ये समझ सकते हैं कि वेंचर कैपिटल स्मार्ट मनी यहाँ पर मार्केट में पैसा डालती ही जा रही है, सिर्फ यहाँ पर रिटेलर को यहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है, बाकी यहाँ पर स्मार्ट मनी यहाँ पर धड़ाधड़ पैसा लगा रही है क्योंकि उनको सारी चीजें क्लियर है कि मार्केट यहाँ से किस तरफ जा सकती है। और यहाँ पर अगर आप हेडलाइंस और न्यूजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे मेजर न्यूज जो कि मेरी नजर में बिटकॉइन के ऊपर है वो है बिटकॉइन का हैश रेट, जो कि हमें यहाँ पर ऑल टाइम हाई से ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर देखें तकरीबन 700 ETH पर सेकंड के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और अप्रैल की हालविंग के बाद यहाँ पर 30% यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया। अब आपके माइंड में होगा ये क्या होता है, देखिए जब भी हैश रेट इंक्रीज होता है बिटकॉइन की माइनिंग के ऊपर, समझ लें यहाँ पर माइनर ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, और इससे क्या होता है इसका नेटवर्क जो होता है वो सिक्योर होता है, और उससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव साइन मिलता है इन्वेस्टर को कि अभी हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो ये एक अच्छा साइन होता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर इलेक्शन को लेकर, तो सिर्फ 14 दिन बाकी हैं, और आपको मैंने बोला भी था कि ट्रंप की नंबरिंग यहाँ पर आपको मजीद इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर लीड करके बैठा हुआ, तकरीबन 30% की यहाँ पर लीड पे बैठा हुआ है ट्रंप, जो कि बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीजें हैं। मजीद यहाँ पर कुछ और न्यूज़ भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिटकॉइन का अगर आप हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं तो 2020 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 6,000 से 8,000 डॉलर पे ट्रेड हो रहा था। उसके बाद अगले 350 दिन में अच्छा खासा बिटकॉइन यहाँ पर पंप हुआ, जो कि मैं आपके साथ चार्ट के ऊपर शेयर करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में तकरीबन 6,000 से 8,000 डॉलर पे बीटीसी ट्रेड हो रहा था, उसके बाद अगले 350 दिनों के बाद तकरीबन 40,000 डॉलर को ये टच कर चुका था, तकरीबन ये 500% से ज्यादा बनता है। तो एक्सपर्ट का यही मानना है कि अभी स्टिल बिटकॉइन उसी फेस पे आ चुका है, तो आने वाले 350 दिनों में आपको बीटीसी बहुत ज्यादा पंप होता हुआ नजर आएगा। तो सो कुछ और डाटा भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो आप ये देख सकते हैं बिटकॉइन का आफ्टर इलेक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा। 2012 में जब इलेक्शन स्टार्ट हुए थे तो उसके बाद जब वो गवर्नमेंट आई तो 2016 तक का बिटकॉइन का सफर कहां तक रहा, फिर 2016 से 2020 का देख सकते हैं, और 2020 से 2024 का भी आप यहां पर इसका सफर देख सकते हैं। अब 2024 से 2028 का सफर क्या होगा, क्योंकि 2024 में ये कहां पर ब्रेक लगाएगा, फिर आप उसके बाद इसका जो हिस्टोरिकल डाटा है वो मजीद यहाँ पर आके आप एनालिसिस कर सकते हैं। सो कुछ और भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2016 में जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त तकरीबन 800 डॉलर के ऊपर बीटीसी का प्राइस था, उसके बाद 404 दिन के बाद बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 18,000 डॉलर को टच कर गया था। उसके बाद जब दोबारा 2020 में यहाँ पर इलेक्शन हुए तो मैंने आपको बताया था 6,000 से 8,000 डॉलर पे प्राइस चल रहा था, उसके बाद तकरीबन बिटकॉइन ने जो है तकरीबन 59,000 डॉलर को टच किया अगले 372 दिनों के बाद। अब यही फेस आ चुका है दोबारा से, अभी जो इलेक्शन का टाइम है तो बिटकॉइन तकरीबन यहाँ पर 66,000 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है,
तो क्या आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर बार यहाँ पर हमें 400-500% यहाँ पर बिटकॉइन जो है मजीद पंप होता हुआ नजर आया है। तो आगे भी ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये एक्सपर्ट का मानना है तकरीबन $2 लाख तक जा सकता है अगले 4 साल के अंदर। तो देखिए ऐसा होता है कि नहीं होता। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इलेक्शन और हालविंग के बाद बिटकॉइन जो है कितना ज्यादा पंप हुआ। यहाँ पर देखें पहले यहाँ पर इलेक्शन हुआ, फिर हालविंग हुई, उसके बाद देखें बिटकॉइन कितना पंप हुआ। फिर उसके बाद पहले हालविंग हुई, फिर इलेक्शन हुआ, उसके बाद बिटकॉइन देखें कितना पंप हुआ। फिर उसके बाद हालविंग पहले, इलेक्शन बाद में, फिर उसके बाद बिटकॉइन पंप हुआ। अब यहाँ पर हालविंग पहले हो चुकी है, अब इलेक्शन का टाइम है, अब देखते हैं बिटकॉइन यहाँ पर कितना ज्यादा पंप होता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर भी आप डाटा देख सकते हैं 2012 का ये रेड लाइन है, जब यहाँ पर इलेक्शन हुए तो उसके बाद देखे कितना ऊपर चला गया। उसके बाद 2016 में जब इलेक्शन हुए उसके बाद बिटकॉइन देखे कितना ऊपर चला गया। उसके बाद 2020 में जब इलेक्शन हुए उसके बाद देखें बिटकॉइन कितना ऊपर चला गया। अब ये व्हाइट लाइन जो है 2024 वाली है, तो देखते हैं अब बिटकॉइन कहां तक जा सकता है। तो यहां पर एक्सपर्ट बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर बार यहां पर इलेक्शन के बाद बिटकॉइन ने अच्छा खासा पंप किया है। तो उम्मीद है कि 14 दिन के बाद यहाँ पर हमें बिटकॉइन यहाँ पर $80,000 को क्रॉस कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो ये थे ओवरऑल एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। तो मिलते हैं गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।